हेलो एवरीवन, आप सब पे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे। कहीं कहीं पे 2 अक्टूबर को श्राद्ध मनाया जा रहा है, कहीं कहीं पे माता रानी की पूजा हो रही है और गांधी जयंती तो है ही। तो इन सब की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं एंड बड़े बुजुर्गों को आशीर्वाद तो आप पे बना रहेगा। सबसे पहले हमारे घर में श्राद्ध किस तरीके से किया जाता है पूरा मैं आपको बता देती हूँ छोटे छोटे शब्दों में अपने। तो श्राद्ध के दिन पहले तो घर में क्लेश नहीं होना चाहिए इस बात पे कि उसने श्राद्ध नहीं किया, पत्नी ने श्राद्ध नहीं करा, पति पत्नी ने मिलकर श्राद्ध नहीं करा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पति ने कर दिया तो पत्नी हाथ जोड़ सकती है और बहुओं का तो कर्तव्य है मरते दम तक अपने ससुराल बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, ठीक है, वो आपको करना ही करना है। वो कहते हैं कि श्राद्ध के टाइम पे ना आपको नए कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, कुछ भी नई शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपके जो पितर हैं, आपके जो देवता हैं, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो आपको देखते हुए खुश होते हैं कि मेरी फैमिली खुश है। और रही मतलब बुरी आत्माओं की, तो वो आपको देख के खुश नहीं होते हैं। तो आप देख लो कि आपके बड़े बुजुर्ग किस टाइप के थे। अगर आपको देख के खुश होते हैं तो आपको कोई भी चीज़ करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बस हम उनको ये जताना चाहते हैं कि आपके जाने का हमें दुख है, इसलिए हम कोई भी नया कार्य या कोई भी नया सामान नहीं खरीद रहे हैं। सो फ्रेंड्स अब आप देखोगे मैं रेडी होके आ चुकी हूँ। अगर इससे पहले मैंने किस तरीके से शुरुआत करी है अपने घर की, तो आप ये वाला वीडियो ज़रूर जाके देखना, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। क्योंकि एक ही दिन में सारा वीडियो शूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, ठीक है, क्योंकि आज के दिन ना बनाना पड़े, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो अपलोड करना, एडिटिंग करना प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाँ, यहाँ पे कहते हैं कि सुबह सुबह शराब से पहले कुछ नहीं खाना चाहिए। तो उसके बारे में मैं भी बता दूँ, आपके जो बच्चे हैं वो कुछ भी खा सकते हैं, आपके जो हस्बैंड हैं वो खा सकते हैं, उनकी श्रद्धा है कि वो नहीं खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि माँ बाप है भाई आपके पति के, तो उनके लिए कोई भी हार्म नहीं होगा, वो उनको माफ़ कर ही देंगे। पर बहू का क्या कर्तव्य है, सुबह निर्जल अपने बुजुर्गों की सेवा करना एंड उनका श्राद्ध करना। दूसरा मैं बताती हूँ, अगर आप उनकी कोई भी फेवरेट चीज़ ला रहे हो, दान दक्षिणा कर रहे हो कि भाई ये उनको पसंद है, ये उनको पसंद है, तो ध्यान रखना सिर्फ अपनी शांति के लिए आप कर रहे हो। उनको तो शांति मिल चुकी है, ठीक है, अपने मन की शांति को, अपने दिल को तसल्ली दिलाने के लिए आप ये सब कर रहे हो। अदरवाइज ये सब करना तो व्यर्थ ही है, क्योंकि जो करना है जीते जी कर दो, बाद में तो दूसरे को ही देना है। और आपके मन में डाउट ही रहता है कि भाई हम दे रहे हैं, दूसरे को ही देना है, पंडित जी को ही देना है, गाय माता को ही देना है। तो जितना करना है इंसान के जीते जी कर दो। एंड घर क्लेश की बात मैं बताऊँ, मेरे हस्बैंड को डेंगू हुआ है और उनकी इतनी तबीयत खराब है, और वो किचन में अपने बड़े बुजुर्गों के लिए खाना बना रहे हैं, मैं घर के ऑलमोस्ट काम कर रही हूँ। तो घर में पति पत्नी के बीच में क्लेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पति पत्नी क्या, दुरानी जेठानी सास ससुर किसी के बीच में नहीं होना चाहिए भाई। चलो तो अभी आ चुके हैं श्राद्ध का सामान लेने, तो अश्विनी जी सामान ले रहे हैं। जैसे मैं वीडियो शूट कर रही थी एक बाबा जी आ गए, अश्विनी जी तो शॉप पे हैं, मुझे लगा इसमें कुछ पैसे पड़े होंगे तो दे दूंगी, पर यहाँ हमारे हैरी भी चले गए। और आपको पता है आज सुबह इनकी ट्रिप निकली है और आज ये पहुँच गए सामान लेने, और पता नहीं एक चीज़ और मांग रहे हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं। इसका बांधने से ना 2 से 3 काम हो रहे हैं, एक तो कोई मुझे पहचान नहीं रहा है, एक तो मैं फेमस यूट्यूबर हूँ, दूसरा मुझे नोज का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तीसरा ये जो कॉटन का दुपट्टा है ना इससे मैं फ़ोन साफ़ कर ले रही हूँ, इजीली हो जा रहा है। सो फाइनली आगमन हो चुका है पति जी का, हम उतर जाते हैं स्कूटी से, खुली हुई है खुली हुई है। ये क्या है, गोस्सा भी लिया है, तो भाई अभी पहुँच चुके हैं हम सब्जी मंडी, थोड़ी बहुत सब्जियाँ लेने आ नहीं रहे थे मंडी में, मंडी में आता था पर टाइम मैंने कम कर दिया। ये लो तुम्हारी होनार पत्नी सारा सामान ले आई, सारा सामान, कद्दू तो नहीं आया, कद्दू है उसके अंदर, कितना सा है, 1 किलो,
कोई मुझे डाकू मंगल सिंह समझेगा। गाइस मैं इतने बड़े मार्ट में ऐसे ही आ जाती हूँ मास्क लगा के। सब्जियाँ मुझे वहाँ नहीं मिली, वो सब्जियाँ मैं यहाँ पे लेने आ गई हूँ, जैसे कि लौकी, तोरी। और गाइस सेब कितने अच्छे लग रहे हैं। हैरी ओ फोर। गाइस दूध का सेक्शन पूरा खाली हो चुका है, इसमें दूध नहीं है। आ जाओ हमारे मिक्सदार। ये हो गया, ये 2 किलो एप्पल। एंड आज ना मैंने फेवरेट मम्मी के लिया, मतलब कितने का है, 22 रुपये का ही है। इसका टैग इधर लग गया। यहाँ पे गरबा के लिए जूतियाँ आ चुकी हैं। ये कैसी लग रही है मैं डालती हूँ। सही है भाई, बहुत सुंदर है ये, इस टाइप की भी है। छोटी भी 4 नंबर दे। इन वालों में ना ये वाला सिस्टम है। देखो ये एक इस टाइप का है एंड दूसरा ना इस टाइप का है। ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छा लग रहा है। और इशु आ जाए। अश्विन जी ने बिल करवा दिया, ये मेरा पर्सनल बिल है अलग। पत्ता, पूजा वाला पत्ता। भाई मैंने यहाँ से खाने वाला भी और वैसे वाला पूजा वाला पान भी ले लिया। बाबू अंकल जी ने तो इसमें पता नहीं क्या क्या डाल दिया। हमारे मेडिकल स्टोर में दवाई। हाँ यही तो पिया था आपने परसों। पहले हैरी अपने पसंद का लेगा। हैरी कौन सा कलर? आपका लॉलीपॉप तो बहुत प्यारा है, मैं खा लूँ क्या? नहीं अभी तो नहीं करा था आपने। तो अंकल इसमें ना मेथी और वो दाल वाली जो सौंप होती है ना वो डाल दी। गाइस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो, और पता नहीं अंकल ने क्या क्या इसमें डाल दिया, अब देखते हैं खा के। ये खिलौना मैं इतना बड़ा हूँ, ये खिलौना छोटा है। और इतना हैरी इतना छोटा, उसका इतना बड़ा वो लॉलीपॉप। चीज चीज का फर्क होता है बेटा, किसी को कुछ पसंद होती है किसी को कुछ। विशु को ये पसंद था, हैरी को ये पसंद था। कल मैं दो दो लूंगी। क्या निकलो ये खाते नहीं है इसको। पान खा रही हूँ, सो गई थी। खाना वाना खा पी के तो बर्तन अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं। एंड ये ना सामान ला के अश्विन जी ने यहाँ पे रख दिया, देखो। अब मैंने इसको सबको ना रख देती हूँ, खा लो। गाजर भी ले आते, देखो गाजर कैसे मिल गया। कद्दू अश्विन जी कह रहे हैं आप येल्लो वाला कद्दू लेके आ गए। बनेगी उससे पहले मैं ना कल के लिए घी निकाल रही हूँ। ये ताज़ा मलाई है एंड उसी ताज़ा मलाई में हम ये, मतलब हम हमारे घर ना ताज़ा मलाई ही रहती है, मतलब 1 वीक की मलाई है ये। और मैं 1 वीक की मलाई का घी निकाल देती हूँ पूजा के लिए भी और खाने पीने के लिए भी। फटाफट से इसको ऐसे ऐसे करके निकाल देंगे। मुश्किल से मुझे 2 मिनट लगे हैं और ये हमारा घी बन के तैयार है, मतलब मक्खन। अब बस इसको पका लेंगे हम। बर्तन मैंने क्लीन कर दिए हैं, साथ में ना नहीं ये मैंने मसालेदाने भी धो दिए। सब्जी हमारी बन चुकी है, ये 3 डब्बे नमक, घी घी का, एंड ये अभी इसमें डालना है। ये लो पहले आशीर्वाद वाले दिन अश्विन जी सबसे पहले उठ गए थे, उन्होंने कद्दू काटा, नहाए धोए, क्योंकि मैं तो नहाने से पहले किसी भी चीज़ पे हाथ नहीं लगा सकती थी, तो मैं घर के ऑलमोस्ट काम कर रही थी। उन्होंने सारी सब्जियां काट दी और कद्दू भी बना दिया, उनको डॉक्टर के पास जाना था। उठ गया मेरा प्यारा बच्चा, मैं उठ गया। गुड मॉर्निंग कर दो सबको, गुड मॉर्निंग, थैंक यू भगवान जी भी कर दो। अब्बा जी आज कुर्ता क्यों नहीं पहना? अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, हमारे यहाँ कद्दू आई थिंक बन चुका है। बाकी आंखें मत दिखाओ, जल्दी चढ़ाई नहीं कर लो, आज दादी दादू की पूजा है। कैसे ऐसे ओके। सो गाइस अश्विन जी तो चले गए अपना चेकअप कराने, क्योंकि आज हो सकता है अगर उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो फिर से वैक्सीन लगनी है। तो उन्होंने सुबह 8 बजे बुलाया था पर अभी 10:30 बज चुके हैं। अश्विन जी ना जा चुके हैं
मम्मी का फ़ोन आया था हरिद्वार से, तो उन्होंने बोला था कि ज़्यादा ना तामझाम मत करो, इसी तरीके से कर दो। फिर रश्मि जी ने बोला कि श्राद्ध थोड़ी ना बार बार आता है, साल में एक बार आता है, भगवान जी को मतलब हमें पूछते हैं। एंड यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ सरगवा, तो आप यहाँ पे देख पाओगे सरगवा के साथ साथ ना मैंने ना तोरी भी छील दी है, क्योंकि श्राद्ध में ना तोरी भी बहुत अच्छी मानी जाती है। और जो ये सरगवा है ना, ये मेरी मम्मी को बहुत अच्छी लगती थी, सासू मम्मी को। एंड आज का जो भी खाना था इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था, मैं आपको नहीं बता सकती। अब ना यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो हाथ के हाथ ना तोरी भी बना देते हैं। तोरी मैंने कट कर दी है। अश्मि जी का फ़ोन आया था तो वो रिपोर्ट करा रहे थे, मतलब ब्लड सैंपल उनका ले लिया गया है। एंड यहाँ पे मैंने ज़ीरा डाला, हरी मिर्च डाली, हींग डाला, उसके ऊपर से तोरी डाल दी एंड टमाटर ऐड कर दिया। अब मैं इसको भापी भाप में पकाऊंगी, ठीक है। उसके बाद ना हम इसमें सारे के सारे मसाले ऐड कर देंगे, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, साथ के साथ मैं ना कड़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। देखो सरगवा मेरी सास को पसंद था, कड़ी मेरे ससुर जी को पसंद थी, तो सबकी पसंद के अकॉर्डिंग यहाँ खाना बन रहा है। अब मैंने सोचा कि साथ के साथ ना पकौड़ियाँ भी बना लेते हैं। तो पकौड़ी में ना सारे मसाले और हींग, ज़ीरा एंड अजवाइन ऐड कर दिया है मैंने। तो अब आप यहाँ पे देख पाओगे हल्का सा, बहुत हल्का सा चुटकी भर सोडा ऐड करेंगे। तो तोरी इधर बन रही है, कड़ी हमारी बन, सॉरी कद्दू बन चुका है, जो कि अश्मि जी ने बना दिया था। एंड इसको ना तोरी को गलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो अब मैं ना एक एक करके पकौड़ियाँ भी बना लूँगी। गाइस आज का जो दिन होता है ना, तो इसमें क्या होता है ना, एक तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। दिन क्या, अब 5-6 दिन हो गए, तबीयत खराब चल रही है, थकावट वैसे ही हो रही है। अरे अब क्या हो जाते हैं, अभी तो करवा गया हूं क्या, रिपोर्ट करवा गया, खून निकाला। अश्मि जी आ गए हैं, उन्होंने बताया कि बाबू खून निकाला, बड़ा पेन हो रहा था यार, रोज़ खून निकालना बड़ा ही अजीब सा होता है ना। एंड यहाँ पे ना मैं कड़ी बना रही हूँ, आप कड़ी का तड़का देखो। मैंने ज़ीरा डाला, मेथी डाला और एक मिर्च डाला, और बहुत भाई आज का खाना ना मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, आप खुद भी देखना, बहुत टेस्टी बन रहा है। मतलब बना था भाई सरगवा तो इतना टेस्टी बना था, मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती आपको, एक एक दाने में मतलब स्वाद था। अब मैंने बच्चों को बोला कि भाई पापा आ चुके हैं बेटा, और अश्मा जी फिर से दोबारा चले गए क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। तो मैंने उनको बोला कि आप ना आटा ले आओ, बच्चों को मैंने बोला कि भाई जल्दी चलो आप नहा लो, जय जय करना है। एंड मुझे लगा कि चलो अब किचन भी क्लीन कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें तो बनी चुकी हैं, बस पूरी रह गई। और ये बच्चों से ना बनियाने उतरती नहीं है, पता नहीं क्या करें। अब यहाँ पे ना खीर बनने की तैयारी है, मैंने दूध, चीनी एंड ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए, इसमें एक इलायची भी डाल दिया। बहुत ही टेस्टी सा ये खीर बन के हमारा तैयार हो गया था। एंड आप यहाँ पे देख पाओगे, कड़ी को चलाते रहेंगे नहीं तो कड़ी नीचे लगने का डर है। बच्चे बोल रहे हैं कि भाई मम्मा साबुन निकाल के दो, वो निकाल के दो। अब अश्मि जी आ गए हैं तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ना पापा के हाथ से ही रेडी होना है। तो मैंने कहा चलो भाई पापा के हाथ से ही रेडी हो जाओ, आखिर बच्चे तो पापा के दीवाने होते ही हैं। पापा सजा रहे हैं बच्चों को, मेरा दूसरा बच्चा आ जा, मेरे पास आ जा, मेरे दूसरे बच्चे को भी सजा दो भाई, मेरे कुत्तों को भी चुपा दो, मैं दिखा दूँ अपने बाबू को। गाइस जी मेरा बहुत सुंदर बाबू है, बहुत सुंदर, इतना सुंदर है कि आपको जय जय भी करेगा, करके दिखा दो जय प्लीज। अच्छा लाइक शेयर बोल दो, लाइक प्लीज एक बार। बहुत तेज है ये, इतना सुंदर है कि कुछ नहीं बोलेगा। चल पापा बाल बना देंगे, कैसे करते हैं? अच्छा इधर तो आ, लाइक सब्सक्राइब तो कर देते सबको, लाइक आ जा बाल काट, अच्छा 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 बाल बनवा लो, आ जा आ जा, अरे बाल बनवा लो बेटा। एक मेरा सुंदर बच्चा और आ गया, देखो भाई आज क्या है, दादी दादू का श्राद्ध। पापा आपने रात को बता दिया था।
अब देखो बच्चे भी रेडी हैं, हम भी रेडी हैं, एंड 12 बजे के बाद का ही था समय कि श्राद्ध करना है। एंड यहाँ पे ना मैंने बेडशीट भी ठीक कर दी क्योंकि बच्चे उठे नहीं थे ना, और मेरी हालत ऐसी हो रही थी बस सो जाओ, पर सो नहीं सकते थे क्योंकि अभी पूरियाँ बनानी बाकी थी। मैं इतनी थक गई थी ना, क्योंकि निर्जल रहना बहुत कठिन होता है अब मेरे लिए, शादी के बाद बच्चे हो गए ना, बहुत ही कठिन सा होता है। मैंने आटा भी कर दिया, फिर मैंने अश्विन जी को बोला कि अश्विन जी अब तो मैं नीचे बैठ के ही पूरियाँ बनाऊँगी, तो अश्विन जी बोला ठीक है आप नीचे बैठ जाओ आराम से। मैंने आटा गूंथ के ये पूरियाँ रेडी शेडी कर ली, आप देखो अश्विन जी ने तल दी, मैंने पूरियाँ बना दी। तो गाइस पूरियाँ बन रही है, तो अभी ना मैं आपको बताऊं कि हर जगह का ना अपना अपना अलग हिसाब होता है। कहीं जगह पे कुछ पंडितों को बुला के श्राद्ध किया जाता है, कुछ लोग घर पे करते हैं, सबके अलग अलग हिसाब होते हैं। सो हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से बना, मतलब कढ़ी बनी है, पूरी बनी है, खीरा, ये सरगवा एंड कद्दू, और साथ में ये खीर भी है, एंड ये है तोरी की सब्जी एंड पापड़। चली ऐसे नहीं बोलते, चाचा करो चाचा करो चाचा करो जल्दी, सॉरी बोल दो, सॉरी भांजी। इसको पार्टी बोल रहे हैं। अब ना जो खाने की थाल निकलती है ना, वो हमारे घर बहू निकालती है, तो मैंने यहाँ पे खाने की थाल भी निकाल दी। ये खीरे कट कर दिए थे, अश्विन जी ने बोला कि बहुत छोटे छोटे कट किए हैं, थोड़े बड़े रखने थे, तो गाइस मुझे नहीं पता था। तो अश्विन जी को ना श्राद्ध करना बहुत अच्छे से आता है, और उनको सारी ना विधि भी पता है, मंत्र जाप जो भी होते हैं सब पता है, तो उसी तरीके से वो हम लोगों को जैसे जैसे बोलते हैं हम वैसा वैसा करते जाते हैं। चढ़ाया जाता है लौंग, सुपारी, जायफल, है ना, कपूर, आप भी चढ़ाओ। पिज्जा नहीं है बेटा, पिज्जा थोड़ी बन रहा है, भांजी की पूजा है रे, पिज्जा नहीं। हमारे यहाँ जो बहुएँ होती है ना, वो लोंगे घुमाती हैं पूरी अग्नि में, एंड इस तरीके से अश्विन जी ने करवाया, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं। गाइस कुछ भी बोलते हैं, उनकी बातों को सुन के तो मुझे बहुत हंसी आती है। क्या दवाई लगना? लाओ भाई एक दवाई दे दो, रखो। ध्यान दे लो थोड़ा सा, अब कमाइए, अब कमाइए। सारी पूजा ना पूजा विधि से हो गई है। अब क्या करते हैं ना, जब ये पूरा हम कर देते हैं ना श्राद्ध, तो ना पान के पत्तों से ना आग को ठंडा किया जाता है, जिससे कि हमारे जो पूर्वज हैं जिनको भी खाना खाना है ना, वो शांति से बैठ के खाना खा पाएँ, एंड उनका आशीर्वाद लेते हैं। और जो भी भोग निकालना होता है, जैसे गाय, कुत्ता, चिड़िया, चींटी एंड बिल्ली, इनके लिए निकाला ही जाता है पांच जनों के लिए, तो वही हम यहाँ पे निकाल रहे थे। एंड उसके बाद अभी हमने फ़ोटो रखना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि पंडित जी ने, हमने पंडित जी से बात करके ही श्राद्ध कर रहे हैं। जब हमारे घर में जितने भी पूर्वज हैं उनकी फ़ोटो होंगी ना, तभी हम फ़ोटो रखना स्टार्ट करेंगे। सुबह छत पर आ गए, दिख नहीं रहे थे धूप में। बस मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मम्मा देगी, मम्मा गाय है, गाय हमारी, गाय माता, जय जय, जय करो दोनों, जय करो जल्दी, जय जय। एक उठाओ आराम से, बस हाँ जय जय करो, जय जय करो। हेलो बाबू, सारी तो उसने खा ली, आ गया डॉगी, डॉगी आ जा, ले 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 ले।
कुकू के लिए सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं आप मैं क्या लेके आई। ले आ जा, ले ये ले खा ले। अब देखते हैं खाएगा नहीं, मलाई है इसमें, अब तो खाएगा क्यों नहीं खाएगा। ये देख मलाई तो इसको बहुत पसंद है, मलाई का दीवाना है। तुम दोनों चलो अंदर, देखना क्या देखना है। ये छपड़ा 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 देखो, खा लिया उसने। अब दादा दादी की पूजा होती है तो ये सब ही बनता है। हाँ बेटा क्यों क्या हुआ। ये अच्छा लगता है, खा लो बेटा यही खाना बनता है, और भी बहुत कुछ बनता है खाना। देखो खाना बहुत टेस्टी बना था। वीशु को इनमें से कुछ भी खाना पसंद नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है दोस्तों,